अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर नई इंटरप्राइजेस की तरफ से हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम व्यूवर को, दोस्त अब आपको जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं या जो चैनल में नए नए विज़िट करने आ रहे हैं, उन सब को मेरी तरफ से रमज़ान और मुबारक की बहुत सारी रहमतें मुबारक हों। दोस्तों, पिछले दिनों एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पोल्ट्री फार्म के बारे में कि पोल्ट्री फार्म काम कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ी सी मालूमात दी थी कि हम इस तरीके से इसको शुरू कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक दो शेड पे जाके आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उनसे मेरी बातचीत हुई थी रमज़ान के हवाले वजह से, सॉरी रमज़ान की वजह से मैं जा नहीं पा रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इंफॉर्मेशन खुद मैं देता चलूं। पिछले दिनों में हमने बात की थी कि हमने मुर्गी कौन सी लेनी है और हमें कितने की पड़ेगी, आज उस पे हम तफसीलन बात करेंगे। तो मैंने एक दो दोस्तों से पता किया कि हमने मुर्गी लेनी है किलो की, सवा किलो की, तो हमें वो पर केजी क्या रेट मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें मुर्गी का जो रेट हम आपको देंगे वो देंगे 170 रुपये किलो। पिछली वीडियो में भी मैंने ज़िक्र किया था। तो साथ साथ ये भी कहता चलूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की जो अमेजिंग वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिल सकें। तो बात ये कर रहे थे कि टॉपिक की तरफ आते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करता मैं आपका, कि 170 रुपये की किलो मुर्गी मिलेगी। वो हमने बात की थी कि अगर हम 1000 मुर्गी उठाते हैं तो मुर्गी उठाने से पहले तो हमें शेड की ज़रूरत पड़ेगी, कि हमें शेड जो है, अगर किसी दोस्त अहबाब के पास शेड है तो बहुत अच्छा है। कई ऐसे होते हैं कि नहीं होते शेड, सबसे पहले आप शेड तलाश करेंगे, शेड का खर्च देखेंगे कि अगर रेंट पे लेते हैं तो उसका रेंट कितना होगा। उसके बाद हम स्टार्ट में 1000 मुर्गी उठा लेते हैं 170 रुपये पर केजी, तो वो हमें पड़ जाएगी 1,70,000 रुपये की। उसके बाद मैंने फीड के हवाले भी थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, मैंने फैक्ट्री से जो है पता किया कि फीड का क्या हिसाब है, क्या कि एक जो बैग है वो आपको पड़ेगा 2600, किसी ने 2600 बताया, किसी ने 2800 बताया, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो रेट मिला वो 2600 मिला। 2600 ये हो गया पर मंथ, ये तकरीबन 36,000 एस्टिमेट लगा के मैंने 1000 मुर्गी का जो मकदार की 36,000 पर मंथ ये आपका हो जाता है। अब आपने अगर अंडे भी निकलवाने हैं, अंडे भी सेल करने हैं, तो उनके लिए आपको बेहतर पता है कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बहुत प्यारा सीज़न, यही सीज़न होता है, इस सीज़न में अंडा बहुत ज़्यादा सेल होता है। अब उसके लिए आपको अंडा आप सेल कर सकते हैं, उसके साथ साथ मुर्गियों की वैक्सी या सॉरी रानी खेत के कतरे हो गए, ड्रॉप्स जो होते हैं, उसके बाद आप वैक्सीन लगाएंगे, सारे हिफाजत करके आप ऐसे तरीके से, अच्छे तरीके से आप इनका जो है आप महाना, अगर आप खाली खाली अंडा सेल करते हैं तो उससे भी आप महीने का जो है कम से कम जो भी है आप 1,00,000 रुपए तक बचा सकते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर मुर्गी अच्छी लेंगे, उसकी देखभाल अच्छी करेंगे, उस लिहाज से आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा,
तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं जाके एक दो शेड पे जाके आपको मुकम्मल विज़िट भी कराऊंगा और आपको बताऊंगा भी आप अगर माल लेना चाहें उठाना चाहें तो उठा भी सकते हैं और इनको वो किस तरह की करते हैं, क्या देखभाल करते हैं। तो इसलिए आपने मुझे कमेंट से करके बताना है कि आपको वीडियो ये कैसी लगी है। इस वीडियो में अगर कोई कमी पेशी है, कोई चीज़ रह गई है तो आप हमारी रहनुमाई करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर सकें। आप कमेंट्स दें, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब भी देंगे, कोशिश करेंगे फौरन जवाब दे दें। अगर फौरन ना दे सके तो एक स्पेशल वीडियो बना के इंशाल्लाह सब कमेंट्स के हम जवाब ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इस स्मॉल बिजनेस से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बकरियों का कारोबार, बकरियों का कारोबार, क्योंकि आगे नेक्स्ट कुर्बानी की ईद आएगी, ईद उल अज़हा आएगी, आप उससे या वैसे भी आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे हम ज़रूर बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में बफ़ज़ले खुदा बफ़ज़ले रहमत ज़िंदगी रही तो मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़ो नासर।